हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट वन क्लास फिफ्थ वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर यूअर सेल्फ फ्रॉम द दिस स्टोरी। कहते वेस्ट जो होता है वो बहुत यूजफुल हो सकता है हमारे लिए। कैसे यूजफुल हो सकता है इस कहानी से हमें पढ़ेंगे। वंस द महाराजा ऑफ त्रिवेंकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। कहते हैं एक बार त्रिवेंकोर क्या है, जगह का नाम है, वहाँ का महाराजा था, उसने आदेश दिया अ ग्रैंड डिनर। ग्रैंड डिनर का मतलब बहुत बड़े रात्रि भोज का। इन हिज पैलेस, अपने महल में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, कहते दोपहर को रात्रि भोज से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज डैट हैड बिन प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट। जो महाराज है वो किचन में गया, किस लिए, टू सर्वे, निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, द डिशेज, व्यंजन को, डैट हैड बिन प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्ट, जो कि उत्सव के लिए तैयार किए गए थे। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, स्क्रैप्स होते हैं छिलके, ही आस्क्ड द कुक। महाराज ने कुक से पूछा, क्या, व्हाट आर यू गोइंग, तुम क्या करने जा रहे हो, टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, उन सब्जियों के छिलकों से। ही आस्क्ड द कुक, उसने कुक से पूछा, पॉइंटेड टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, कुक के पास पड़ी हुई छिलकों की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए। यानी कि जब राजा ने कुक के पास, जो रसोईया मतलब कुक को बोलते हैं रसोईया, तो रसोईये के पास जो एक टोकरी पड़ी थी जिसमें सारे सब्जियों के छिलके पड़े थे, उसे देखकर राजा ने उसको पूछा कि तुम इन छिलकों का क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड, रिप्लाइड होता उत्तर देना। उस कुक ने, रसोईये ने उत्तर दिया, दे आर वेस्ट, कि ये वेस्ट हैं, बेकार हैं ये, वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे। यू कैनॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स, क्योंकि यू कैन नॉट वेस्ट, तुम बेकार नहीं कर सकते ऑल दिस बीट्स, इन सारे टुकड़ों को, एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स, और सब्जियों के टुकड़ों को। फाइंड अ वे टू यूज दैम, इन्हें प्रयोग करने का कोई तरीका ढूंढो। द महाराजा कमेंडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे, महाराज ने बड़ी सख्ताई से आदेश दिया और वहाँ से चला गया। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड कैप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। जो कुक था वॉज इन फिक्स, वो फिक्स ऐसे कैसे हैरान होकर खड़ा रहा, हाथ प्रभ होकर खड़ा रह गया। एंड कैप्ट स्टेयरिंग, और घूर कर देखता रहा, एज द वेजिटेबल स्क्रैप्स, उन सब्जियों के छिलकों को, फॉर सम टाइम्स, कुछ देर के लिए। सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया। ही टुक ऑल दिस वेजिटेबल बीट्स, उसने ये सारे सब्जियों के जो टुकड़े थे उनको वॉश देम, उन्हें धोया, एंड क्लीन देम वेल, और उन्हें अच्छे से साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, तब उसने इन्हें लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट दिया। ही पुट देम इन ए हग पोट, हग होता है बड़ा पोट, बर्तन। ही पुट देम, उसने उन्हें रखा इन्हें हग पोट, एक बड़े बर्तन में, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसे आग पर रखा पकने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, और फिर उसने कुछ ताज़ा जो नारियल थे उन्हें कद्दूकस किया। ग्राउंड का मतलब पीसना कह सकते हैं इसको। ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च एंड गार्लिक टुगेदर, और अदरक एक साथ, ये सारी चीज़ों को एक साथ पीसा उसने। ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, इन बन जो ये सब्जी बन रही थी इसमें उसने कुछ वो पेस्ट जो तैयार करी थी नारियल की, हरी मिर्च की और गार्लिक की, वो और कुछ नमक उसके अंदर डाल दिया। अ टेम्प्टिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, उस पॉट में से एक बहुत अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो गई। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडिड इट टू द करी, अब उसने क्या किया, कुछ दही को उसमें उड़ेल दिया, एंड एडिड इट टू द करी, और करी के लिए उसको डाल दिया उसके अंदर, करी बना, करी मतलब तरी बनाने के लिए, थोड़ा सा सब्जी के लिए।
ही आल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। फिर उसने क्या किया, कुछ चम्मच जो है कोकोनट ऑयल नारियल के तेल के उसमें उड़ेले और उससे डेकोरेट कर दिया, मतलब सजा दिया उस डिश को करी लीव्स से। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी, कहते बिल्कुल एक नई डिश तैयार हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट डेट इवनिंग, उस रसोइये ने उस शाम को उस व्यंजन को सारे गेस्ट को मेहमानों को सर्व किया। एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, हर कोई उत्सुक था, एगर होता उत्सुक होना, टू नो जानने के लिए द नेम ऑफ द न्यू डिश, इस नई व्यंजन का। द कुक थॉट, कुक ने थोटा सोचा एंड थॉट और सोचा, यानी कि रसोई ने बहुत जोर दिया अपने दिमाग पर सोचने के लिए कि डिश का क्या नाम होना चाहिए। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तब एक नाम उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट, उसने इसे नाम दिया यूवियल। यूवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। कहते यूवियल जो है फेमस हो गए, प्रसिद्ध व्यंजन है अब केरला का, और जो है ट्रेडिशनल जो पारंपरिक उत्सव है केरला का उसमें ये व्यंजन जो है बनाया जाता है। एंड इमेजिन और कल्पना करो, इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, कि ये सारा का सारा जो है एक वेस्ट की कूड़े की टोकरी से आया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम बेकार सामान से, बेकार चीज़ों से भी बढ़िया चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो ये था वंडरफुल वेस्ट के बारे में।